आपको लगातार 5 दिन से फ़ोन किया गया कर रहा हूँ समय मांगने के लिए। कल जो है समय दिया भी, जब मैं मिलने गया तो उनका व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं था। मैंने अपना कार्ड दिया। कार्ड तहसीलदार साहब का और कहाँ का मामला है? ये अलीगढ़ का मामला है। तहसीलदार का नाम क्या है? यादव साहब। यादव साहब हैं तहसीलदार यहाँ पे। जब मैंने अपना कार्ड दिया, कार्ड देने के बाद ना बैठने के लिए कहा उन्होंने और ना ही उन्होंने मेरी बात को बहुत गौर से सुना, और भाषा भी बहुत उचित नहीं थी उनकी। किस तरीके का व्यवहार था, क्या कहा था? नहीं, व्यवहार तो ये था, मतलब उनकी भाषा बिल्कुल ठीक ही नहीं थी, सुनना ही नहीं था उनको। फिर मैंने फ़ोन पे कहा कि कल आपके अगेंस्ट में हम लोग धरना करेंगे, आप भारतीय, और एक शिकायत नहीं, कई अनेक शिकायतें कार्यकर्ताओं की कि किसी भाजपा कार्यकर्ता के सुनते नहीं। तो किस तरीके की मांग कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? नहीं, मांग हमारी ये है कि भाजपा का कार्यकर्ता अगर कार्यालय में आया है और नियम अनुसार काम कराने आए, उसके बाद भी अगर आपका व्यवहार इस तरह रहेगा तो मुझे लगता है क्या ये सपा मानसिकता के लोग हैं और इनको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। क्या इसकी शिकायत और किसी पर? नहीं, बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री से भी कोई भी लिखूंगा इसकी शिकायत। किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, क्या है? हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी है, इनके साथ जो अभद्र व्यवहार तहसीलदार ने किया वो नाकाबिले माफी है। मैं रक्षपाल सिंह राघव, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन तहसील कोल अलीगढ़ एवं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में हूँ। मैं अपने भाइयों के इस प्रदर्शन से के साथ में हूँ और इनके साथ में इनकी समस्या अगर हल नहीं हुई तो ईंट से ईंट भराने का काम अगर करेंगे तो हम तहसील के बार अध्यक्ष के हिस्से से करेंगे। इसके अलावा ये वो क्रांति है, ये किसी के बुलावे से नहीं आए हुए। आज बीजेपी का कार्यकर्ता सत्ता में होते हुए इनका कार्य नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी सपा की मानसिकता के व्यक्ति अपनी मानसिकता को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि योगी जी, आप बहुत हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने सिस्टम को देखिए, यहाँ पर इस तरह भ्रष्टाचार है कि वो भ्रष्टाचार की गूंज आप तक नहीं पहुंच पाती है। अब ये क्रांति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आ गई है। अब हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, सड़क पे आकर के वो करेगा और संघर्ष करेगा और ये जता देगा कि कार्यकर्ता ने अगर प्रधानमंत्री को बनाया है, कार्यकर्ता ही देश के राष्ट्रभक्त है और कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री को बनाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यकर्ता को नहीं बनाते हैं, राष्ट्र का निर्माण अगर करता है तो भारतीय नागरिक करता है। अगर ऐसे अधिकारी भ्रष्ट को, अगर इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई और इनके विभागीय कार्रवाई करके जो विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई तो हम ईंट से ईंट भराने का काम करने में देर नहीं करेंगे। ये तो कार्यकर्ता है हमारे बीजेपी। इसके अलावा किसानों की इतनी विहंग समस्याएं हैं कि भ्रष्टाचार सर्वसीमा पर है। मैं आप आइए, मैं दिखाऊंगा कि यह महीनों महीनों भर हो जाते हैं, अधिकारी अपनी सीट पर नहीं बैठते। जब उसे पूछा जाता कहाँ गए तो हवाई जहाज की पट्टी पर अधगढ़ के मामले में गए हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं, ये तो पहला देश में एक वो है कि सत्तारूढ़ होते हुए भी बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठने को मजबूर हुआ है। इसका मतलब यह है कि उनकी भावना को ठेस पहुंचाई गई है। जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकलांग सेक्शन के हैं, ये तो बहुत बड़ी पद है, ये कार्यकर्ता को अगर ठेस पहुंचाई जाती है तो उसका भी बदला हम लेने में चूकेंगे नहीं। हम, हमारी कलम में ताकत है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इनके खिलाफ अदालत में चाराजाई करने को मजबूर होंगे। और यहाँ पर प्रशासन पूरा का पूरा भ्रष्ट हो रहा है। ये